गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग? होप करता हूँ आप सब स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए। हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में इंटरनल टॉपिक है स्प्रिंग फोर्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पता होना चाहिए। इसकी फोर्स वाला पार्ट होता है स्प्रिंग के पास दो चीज़ें हैं बेटा। स्प्रिंग का हम दो चीज़ें पढ़ते हैं, फोर्स और वर्क या एनर्जी, ठीक है ना। फोर्स वाला पार्ट अभी खत्म करेंगे, वर्क वाला पार्ट हम खत्म करेंगे स्प्रिंग का, वर्क पावर एनर्जी चैप्टर में, ठीक है। तो स्प्रिंग का फोर्स वाला पार्ट खत्म करते हैं। सबसे पहली बात मैं स्प्रिंग को बता देता हूँ होता क्या है। ये स्प्रिंग है, ठीक है ना, नेचुरल लेंथ में है। स्प्रिंग किस में है? ये नेचुरल लेंथ में। नेचुरल लेंथ में स्प्रिंग होता है तो उस समय जो ब्लॉक की पोजीशन होती है उसको बोला जाता है मीन पोजीशन, ठीक है, जब नेट फोर्स जीरो होता है। देखो यहाँ पर नेट फोर्स क्या है? जीरो। इस ब्लॉक में नेट फोर्स क्या है? जीरो। अब इलोंगेटेड स्टेट है, मान लो मैंने इस ब्लॉक को आगे एक्स खींच दिया, आगे एक्स खींच दिया, तो स्प्रिंग क्या करेगा? सभी बच्चे जानते हैं, स्प्रिंग इस पर वापस फोर्स लगाएगा, स्प्रिंग इस पर उल्टा फोर्स लगाएगा। अगर मैंने इधर खींचा तो फोर्स लगेगा इधर, सही बात है। तो इसको बोलते हैं इलोंगेटेड स्टेट। जब मैं इसको एक्स खींच दूंगा और छोड़ दूंगा, रिलीज कर दूंगा, तो वापस ये नेचुरल लेंथ में आएगा। किस में आएगा ये? वापस नेचुरल लेंथ में आएगा। नेचुरल लेंथ में आएगा सबसे पहला काम, फिर नेचुरल लेंथ में आएगा जब, तो इसके बाद कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी और उस वेलोसिटी के कारण ये कंप्रेस होगा। ये क्या होगा? कंप्रेस होगा। तो फिर कितना कंप्रेस होगा? एक्स ही कंप्रेस होगा। एक्स कंप्रेस होने के बाद यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो। वेलोसिटी जीरो होने के बाद अब स्प्रिंग इधर कंप्रेस हो चुका है तो स्प्रिंग का फोर्स उधर लगेगा, तो स्प्रिंग के फोर्स की वजह से वो आगे जाएगा। फिर यहाँ पर वेलोसिटी होगी, दोबारा इस पोजीशन पे आ जाएगा इलोंगेटेड स्टेट पे, और इस तरीके से वो अपना मोशन करता जाएगा। इस तरीके से अपना मोशन क्या करेगा बेटा? वो करता जाएगा, ठीक है। जब स्प्रिंग इस ब्लॉक पर नेट फोर्स जीरो होगा उसको क्या बोलेंगे हम? मीन पोजीशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? मीन पोजीशन। अब जो स्प्रिंग का फोर्स होता है, स्प्रिंग का फोर्स वो उतना ही बड़ा होता है जितना बड़ा इलोंगेशन कर रहे हो। स्प्रिंग का फोर्स उतना ही बड़ा होता है जितना बड़ा क्या कर रहे हो? इलोंगेशन। मान लो आपने इसको 2 सेंटीमीटर खींचा तो स्प्रिंग का फोर्स कुछ हुआ, आपने 3 सेंटीमीटर खींचा तो स्प्रिंग का फोर्स बड़ा हो गया, ठीक है। जितना ज़्यादा खींचोगे उतना ही ज़्यादा स्प्रिंग का फोर्स बड़ा होगा, ठीक है। और स्प्रिंग का फोर्स अगर मान लो आप इसको एक्स इधर खींचते हो तो स्प्रिंग का फोर्स कहाँ लगेगा? पीछे लगेगा। अगर आप इसको एक्स इधर कंप्रेस करते हो तो स्प्रिंग का फोर्स कहाँ लगेगा? आगे लगेगा। तो स्प्रिंग का फोर्स हमेशा एक्स के क्या लगेगा? अपोजिट लगेगा। इसलिए माइनस लगा रहा हूँ। क्या लगा रहा हूँ? माइनस। अब जैसे ही आप जानते हो प्रोपोर्शनलिटी हटती है, ये स्प्रिंग फोर्स क्या है? ये फोर्स ऑफ स्प्रिंग। जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी हटती है आप सब जानते हो क्या आता है? कॉन्स्टेंट आता है। उस कॉन्स्टेंट को मैं बोलता हूँ माइनस के। ये के होता है स्प्रिंग कॉन्स्टेंट, या तो इसको स्प्रिंग कॉन्स्टेंट बोल सकते हो, या कुछ किताबें इसको स्टिफनेस कॉन्स्टेंट के नाम से भी जानती हैं, स्टिफनेस कॉन्स्टेंट, ठीक है। एक ही बात होती है, ये हर स्प्रिंग के लिए फिक्स होता है। किसी एक पर्टिकुलर स्प्रिंग के लिए क्या रहेगा? वही रहेगा। अगर दूसरे टाइप का स्प्रिंग है तो कुछ और के होगा, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर मैं ऐसा ग्राफ प्लॉट करूं, ध्यान से देखो सही बच्चे, ऐसा ग्राफ प्लॉट किया जाए एक्स वर्सेज स्प्रिंग फोर्स, एक्स वर्सेज फोर्स ऑफ स्प्रिंग, तो कैसा ग्राफ आएगा बेटा? आप सब जानते हैं फोर्स स्प्रिंग मैंने वाई पे लिया, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस के, तो कॉन्स्टेंट है, और एक्स एक्स एक्सिस पे लिया मैंने, तो y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स। वट इज दिस? वट इज द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू वट? ओरिजिन, ठीक है ना। x जीरो इक्वल टू y जीरो सेटिस्फाई कर रहा है ना, तो ग्राफ आएगा कुछ ऐसा, ठीक है बेटा। ये ग्राफ आया, ये मैक्सिमम इलोंगेशन वाली स्टेट हो गई, ठीक है। ये क्या हो गई? कंप्रेसिंग वाली स्टेट माइनस एक्स, सही है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस ग्राफ का स्लोप क्या देगा? इस ग्राफ का स्लोप, स्लोप ऑफ दिस ग्राफ गिव्स, स्लोप ऑफ दिस ग्राफ गिव्स माइनस के, क्या देगा? माइनस टाइम्स स्प्रिंग कॉन्स्टेंट। माइनस टाइम्स क्या देगा? स्प्रिंग कॉन्स्टेंट। इतनी बात समझ में आई? सबसे पहला काम है ये। ओके बच्चों, अब हम पढ़ेंगे सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन समझो और कैसे हैंडल करेंगे वो भी समझो। देखो ध्यान से बेटा, ये एक स्प्रिंग, एक वॉल है। वॉल का एंड किस? वॉल किससे अटैच है? एक स्प्रिंग से अटैच है, और फिर एक स्प्रिंग दोबारा दूसरे स्प्रिंग से अटैच है आगे, ठीक है। फिर अगला स्प्रिंग एक और स्प्रिंग से अटैच है, मान लो 3 स्प्रिंग ले लिए, ठीक है। और इधर एक ब्लॉक लगा दिया। क्या लगा दिया बेटा? इधर एक ब्लॉक, कोई चिंता की बात नहीं है। एम मास का ब्लॉक लगा दिया ऐसे, सही है।
स्प्रिंग का जो स्टिफनेस कांस्टेंट है वो है K1, इस स्प्रिंग का स्टिफनेस कांस्टेंट है K2 और इस स्प्रिंग का स्टिफनेस कांस्टेंट है K3। ठीक है, मुझे इक्वलेंट स्टिफनेस कांस्टेंट निकालना है या इक्वलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट निकालना है। कैसे हैंडल करूँगा बेटा, मैं ध्यान से देखेंगे। मैंने क्या करा, इस ब्लॉक को खींचा आगे एक्स, कितना खींचा ब्लॉक को एक्स, बहुत ध्यान से देखेंगे बेटा। ब्लॉक को एक्स खींचा तो ये वाला स्प्रिंग कितना खींचा मान लो X1, ये वाला स्प्रिंग कितना खींचा मान लो X2 और ये वाला स्प्रिंग कितना खींचा मान लो X3। तो टोटल ब्लॉक एक्स खींचा और X1 पहला स्प्रिंग, X2 दूसरा स्प्रिंग और X3 तीसरा स्प्रिंग, ये टोटल इलोंगेशन है। ठीक है, और स्प्रिंग 1 की इलोंगेशन X1, स्प्रिंग 2 की X2 और स्प्रिंग 3 की कितनी X3, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, ये एक ही धागा है, ये धागा तो एक ही है ना। अरे बोलो बेटा, सीरीज कॉम्बिनेशन है ना, एकदम क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो फोर्स क्या रहता है, सेम। जैसे धागे वाली बात समझ लो, अगर एक ही धागा होता है, जैसे एक ही धागा है, जब तक बीच में कोई ब्लॉक वगैरह नहीं आया, तो टेंशन फोर्स क्या रहता है, सेम रहता है ना। टेंशन फोर्स क्या रहता है, सेम रहता है। T1 T2 अलग मान के भी चल लो, लेकिन आता क्या है फिर सॉल्व करके, T1 = T2 आता है ना। सिमिलरली ये सीरीज है और सेम धागा है, तो फोर्स क्या होगा, सेम होगा। अगर सेम धागे की तरह ट्रीट कर रहे हो इसको, तो फोर्स क्या होगा, सेम। फोर्स सेम होगा, फोर्स इज सेम। तो ये वाला ब्लॉक, ये वाला स्प्रिंग कितना फोर्स लगाएगा, अभी हमने फोर्स सीखा, स्प्रिंग का फोर्स कितना होता है, -kx। तो ये वाला स्प्रिंग लगाएगा -kx1, ये वाला कितना लगाएगा फोर्स, ये वाला फोर्स लगाएगा एफ -kx2 और ये वाला स्प्रिंग कितना फोर्स लगाएगा, एफ -kx3। सही बात है, बोलो। ये वाला स्प्रिंग फोर्स आएगा -kx1, ये -kx2 और ये K1 सॉरी, और ये K2 और ये K3, अलग अलग है ना K। ठीक है, फोर्स, ये तीनों फोर्स क्या होंगे, सेम होंगे क्योंकि सीरीज में है, फोर्स इज सेम। तो x की जगह आएगा, x की जगह, अब सुनो मेरी बात। और अगर इक्वलेंट देखूँ मैं, तो एक ही अगर स्प्रिंग होता, इन सब की जगह एक ही स्प्रिंग होता, अगर मान लो ये M मास का ब्लॉक होता, ये कितना आगे गया, X खुला ना ये, तो और ये क्या होता, K इक्वलेंट होता। तो फोर्स यहाँ पर कितना होता, -kx होता। इस स्प्रिंग, एक स्प्रिंग होता तो -kx होता कि नहीं होता, सही बात है। अब क्या करोगे, X की जगह लगाओ फोर्स, -force/kx, X1 की जगह लगाओ -force/k1, X2 की जगह लगाओ -force/k2, X3 की जगह लगाओ -force/k3, माइनस कट गया, F कट गया, 1/k कितना आ गया, 1/k1 प्लस 1/k2 प्लस 1/k3, ये आ गया k इन सीरीज। k किस में आ गया, सीरीज में आ गया। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ मैंने क्या किया बेटा, ये स्प्रिंग टोटल जो ब्लॉक है वो एक्स इलोंगेट हुआ। ठीक है, इन तीनों स्प्रिंग की जगह, तीन स्प्रिंग सीरीज में लगे, इनकी जगह मैं एक स्प्रिंग लगा के पढ़ना चाहता हूँ और उसका मैं के जानना चाहता हूँ क्या होगा। ठीक है, तो ये K1 स्टिफनेस का स्प्रिंग था, ये K2 का था, ये K3 का था, सीरीज में होने की वजह से इन सब में फोर्स क्या है, सेम। फोर्स सेम है इनमें। और अगर टोटल ये स्प्रिंग X1 इलोंगेट हुआ, ये स्प्रिंग X2 इलोंगेट हुआ, ये स्प्रिंग X3 इलोंगेट हुआ, तो टोटल इलोंगेशन कितनी है, एक्स। सही है, यहाँ तक भी सही है। अब मैंने करा, इन तीनों स्प्रिंग की जगह एक स्प्रिंग लगा दिया K इक्वलेंट का, M ब्लॉक मास का और X खींच रहा है, तो यहाँ पे फोर्स कितना होगा, -kx होगा। सही है, अब कुछ भी नहीं किया, अब सब जानते हैं फोर्स होता है -k1x1, स्प्रिंग का -k2x2, स्प्रिंग का -k3x3। तो X1 की जगह डाला -force/k1, X2 की जगह -force/k2, X3 की जगह -force/k3 डाल दिया, और k इक्वलेंट की जगह -force/k इक्वलेंट, तो माइनस फोर्स कट गया, तो 1/k इक्वलेंट किसके ऊपर आ गया, 1/k1 प्लस 1/k2 प्लस 1/k3। ठीक है, ये था सीरीज कॉम्बिनेशन। अब हम पढ़ेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके बच्चों, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ने जा रहे हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, मान लो ये फिर से बॉल है, ठीक है, और मैंने क्या करा, तीन स्प्रिंग लगा दिए, एक ये लगा दिया, एक ये लगा दिया,
एक ही लगा दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा, सही है एकदम। और इसके साथ एक ब्लॉक लगा दिया, इसके साथ क्या लगा दिया बेटा, एक ब्लॉक लगा दिया। और इस ब्लॉक का मास कितना है, एम, ये ब्लॉक लगा दिया, सही है बेटा। ये K1 स्प्रिंग कांस्टेंट है, ये K2 स्प्रिंग कांस्टेंट है, ये K3 स्प्रिंग कांस्टेंट है, तीनों स्प्रिंग इस समय किसमें, अपनी नेचुरल लेंथ में, ठीक है। अब क्या किया मैं, तीनों की जगह एक स्प्रिंग लगा के पढ़ना चाहता हूँ। पहली नंबर बात, इसको अलग से बना लेता हूँ, यहाँ पे मैं तीनों की जगह एक के इक्विवेलेंट पढ़ना चाहता हूँ, सही है। और ये वो ब्लॉक है एम मास का, सही है बेटा। मैंने क्या किया, इस ब्लॉक को एक्स खींच दिया, कितना खींच दिया, एक्स खींच दिया। तो बताओ ऊपर वाला स्प्रिंग कितना खींचा, एक्स, नीचे वाला भी एक्स, और तीसरे वाला भी क्या, एक्स। अरे तीनों स्प्रिंग एक साथ ही एक्स ही तो खींचेंगे, सही बात है। लेकिन अब ये वाले स्प्रिंग की वजह से जो फोर्स लगेगा, ये वाले स्प्रिंग की वजह से जो फोर्स लगेगा, आपको मार्कर चेंज करके दिखाता हूँ, वो लगेगा इधर ऐसे, तो कितना लगेगा, माइनस K1 एक्स, और वो फोर्स होगा F1। अब तो धागा सेम नहीं है, अब तो सीरीज में नहीं है। इस स्प्रिंग की वजह से जो फोर्स लगा इस ब्लॉक पे, वो इधर होगा, वो कितना होगा, माइनस K2 एक्स F2। इस स्प्रिंग की वजह से जो फोर्स होगा वो कितना होगा, किधर होगा, और इधर होगा, कितना होगा, F3, और वो होगा माइनस K3 एक्स, क्योंकि तीनों ही एक्स खींचे हैं। तो टोटल फोर्स इस ब्लॉक पे रीस्टोरिंग क्या होगा, माइनस, सॉरी, F1 प्लस F2 प्लस F3 होगा, F1 प्लस F2 प्लस F3 टोटल फोर्स होगा कि नहीं होगा, पक्का। और अगर इसको एक्स खींचेंगे तो इस पे फोर्स कितना होगा पीछे, इस पे कितना पीछे फोर्स होगा, माइनस के इक्विवेलेंट इनटू एक्स, सही। तो फोर्स हो गया माइनस के इक्विवेलेंट इनटू एक्स, F1 हो गया माइनस K1 एक्स, F2 हो गया माइनस K2 एक्स, F3 हो गया माइनस K3 एक्स, एक्स 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 माइनस 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 माइनस, के इक्विवेलेंट कितना आ गया बेटा, K1 प्लस K2 प्लस K3, ये आ गया पैरेलल कॉम्बिनेशन में के इक्विवेलेंट। यहाँ पर क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में लिख देता हूँ, पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन में फ़र्क क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में इलोंगेशन सेम रहती है, इलोंगेशन क्या रहती है, सेम रहती है, और पैरेलल में फोर्स ऐड होते हैं, फोर्स क्या होते हैं, ऐड, ये तीनों फोर्स ऐड हो रहे हैं पैरेलल में, इलोंगेशन क्या है, सेम, और सीरीज में, सीरीज में याद करो इलोंगेशन ऐड होती है, वही पढ़ाया था मैंने पीछे, और फोर्स क्या रहता है, सेम, फोर्स क्या रहता है बेटा, सेम। इस बात का वो खास ध्यान रखना पड़ेगा सीरीज और पैरेलल समझने के लिए, कि पैरेलल और सीरीज में क्या क्या सेम रहता है और क्या क्या ऐड होता है, ठीक है। ये था पैरेलल कॉम्बिनेशन, होप करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ईजी है। ओके बच्चों, आपके लिए एक इलस्ट्रेशन लेके आया हूँ, सिंपल सा छोटा सा एग्जाम्पल है। एक स्प्रिंग ये है, एक स्प्रिंग ये है, बीच में ब्लॉक, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के, आपको बताना है के इक्विवेलेंट। के इक्विवेलेंट बताने के लिए आपको पहले ये समझना होगा कि ये दोनों स्प्रिंग सीरीज में है या पैरेलल में है, ठीक है। तो सीरीज पैरेलल की कहानी कैसे बताई थी मैंने, अगर फोर्स ऐड होता है और इलोंगेशन सेम होती है, एक्स सेम होता है, तो पैरेलल, और अगर इलोंगेशन ऐड होती है, फोर्स सेम होता है, तो सीरीज। चलो देखते हैं, मैंने करा इस ब्लॉक को एक्स मूव किया, एक्स इधर मूव करा, तो इस स्प्रिंग का कंप्रेशन कितना है, एक्स, इस स्प्रिंग का एलोंगेशन कितना है, एक्स, एक्स सेम है दोनों के लिए। ये स्प्रिंग अगर एक्स दब रहा है तो ये एक्स ही खुल रहा है, अरे बोलो पक्की बात, एक नंबर बात। दूसरी नंबर बात, अगर ये स्प्रिंग मान लो ऐसे पहुंच गया, ये स्प्रिंग खुल गया, और ये स्प्रिंग टाइट हो गया, ठीक है।
तो ये स्प्रिंग खुलेगा, खुलने की वजह से कोई किसी चीज में इलोंगेशन आती है तो स्प्रिंग का फोर्स कहाँ लगता है? पीछे, इधर लगेगा F1। अगर कोई स्प्रिंग दबता है, अगर मान लो स्प्रिंग को इधर दबाया तो स्प्रिंग का फोर्स कहाँ लगेगा? इधर F2। तो इस ब्लॉक पे फोर्स क्या हो रहा है? एड। और x क्या है? x इज सेम, जितना ये इलोंगेशन है उतना ही तो ये कंप्रेशन है। बोलो x क्या है? सेम। फोर्स क्या हो रहा है? एड। तो दोनों स्प्रिंग किस में लगे हुए हैं? स्प्रिंग आर इन पैरेलल। किस में है? पैरेलल में। तो k इक्वलेंट क्या होता है? k1 प्लस k2। तो आंसर आएगा 2k। आंसर क्या आएगा बेटा इसका? 2k। इजी क्वेश्चन है, समझ में आया होगा आपको। ओके बच्चों, एक इलस्ट्रेशन लेके आया हूँ आपके लिए। ये स्प्रिंग 1 है, ये स्प्रिंग 2 है, ये स्प्रिंग 3 है, ठीक है। ये सीलिंग है, ये एक ब्लॉक लटक रहा है, के स्प्रिंग कॉन्स्टेंट है, नीचे एक और स्प्रिंग है, ठीक है। फिर 2m मास का ब्लॉक, फिर स्प्रिंग कनेक्टेड है 2m और 3m से, ठीक है। इस ब्लॉक का नाम है, इसका बी, इसका सी। ए का मास m, बी का मास 2m, सी का मास 3m। इनिशियली सिस्टम किस में दे रखा है? इक्विलिब्रियम में दे रखा है। इस समय सिस्टम किस में है? इक्विलिब्रियम पे, मतलब तीनों ब्लॉक पे नेट फोर्स क्या है? जीरो, ठीक है। आपको बताना क्या है? फाइंड इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ ए, बी एंड सी। इन तीनों का इनिशियल एक्सेलरेशन बताना है। जैसे ही आप स्प्रिंग 2 को कट कर दोगे, जैसे ही आप स्प्रिंग 2 को कट करते हो, ए, बी और सी का क्या क्या एक्सेलरेशन होने वाला है उसी इंस्टेंट पर, आपको ये बताना है, ठीक है। सबसे पहले तो इक्विलिब्रियम है, तो मान लो कि ये स्प्रिंग कितना खींचा हुआ है? x3। ये स्प्रिंग कितना खींचा हुआ है? x2। और ये स्प्रिंग कितना खींचा हुआ है? x1, ठीक है। तो इस वाले ब्लॉक को देखो, इस वाले ब्लॉक को अगर ये x3 खींचा हुआ है तो 3m का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ मैं, 3m वाले का, यानी C ब्लॉक का। नीचे तो लग रहा है वेट इसका, सही है। और अगर ये x3 खींचा हुआ है तो इस पे स्प्रिंग का फोर्स कहाँ लग रहा है? ऊपर। कितना? kx3। बोलो, सही है। आ जाओ 2m वाले पे, अब देखो। पहली बात तो ये kx3 इधर, तो एक्शन का रिएक्शन kx3 इधर भी तो होगा। ये kx2 इधर, तो एक्शन का रिएक्शन kx2 इधर भी तो होगा। ये kx1 इधर, तो एक्शन का रिएक्शन kx1 इधर भी तो होगा, सही है। तो इस वाले को देखो, बी वाले को, बी वाले पे 2mg नीचे, और बी वाले पे ही kx3 भी नीचे, kx3 भी नीचे, और ऊपर क्या है बी वाले पे? kx2। ऊपर क्या है? kx2, सही है। और ए वाले पे? एम पे। नीचे क्या है? kx2। नीचे क्या है? mg। और ऊपर क्या है? kx1। ऊपर क्या है बेटा? kx1, सही है। पक्का इक्विलिब्रियम में है, तो kx3 किसके बराबर है? mg, 3mg के। kx2 किसके बराबर है? 2mg प्लस kx3 के। तो kx2 किसके बराबर हो गया? 2mg और kx3 मिलके 5mg हो गया। और ये 5mg प्लस mg 6mg हो गया kx1, क्योंकि kx1 किसके बराबर है? kx2 प्लस mg के। ये तो इक्विलिब्रियम शुरू में। अब स्प्रिंग 2 कट कर दिया, स्प्रिंग 2 कट कर दिया, जैसे ही कट करा, व्हेन स्प्रिंग 2 इज कट kx2 की वैल्यू 0 हो गई। जैसे स्प्रिंग 2 कट कर दिया, स्प्रिंग ही नहीं बचा, तो स्प्रिंग फोर्स भी नहीं बचा। स्प्रिंग फोर्स 2 वाले स्प्रिंग का नहीं बचा, kx2 की वैल्यू क्या हो गई? 0। अच्छा, अब ध्यान से देखो, इस वाले ब्लॉक पर देखो,
इस वाले ब्लॉक पे ऊपर के एक्स वन था, नीचे के एक्स टू और एम जी था। अब के एक्स टू जीरो हो गया, जैसे ही के एक्स टू जीरो हो गया ये ब्लॉक ऊपर चला जाएगा। जैसे ही के एक्स टू जीरो हुआ ये ब्लॉक कहाँ जाएगा? ऊपर, क्योंकि के एक्स टू और एम जी ने मिलकर पकड़ रखा है के एक्स वन को। अब के एक्स टू खत्म होगा एकदम से तो कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो के एक्स वन ऊपर चलाने वाला, रोकने वाला एम जी, इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए, ये बन गया ए ब्लॉक के लिए। के एक्स वन कितना है? 6 एम जी, और एम जी 6 एम जी में से एम जी गया 5 एम जी, इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए। तो 5 जी एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए अपवर्ड्स, क्या आ गया? ऊपर की तरफ। बोलो समझ में आया? ए ब्लॉक का समझ में आया, ए ब्लॉक का आंसर आ गया। अब आ जाओ बी ब्लॉक पे। बी ब्लॉक इधर देखो, के एक्स थ्री और 2 एम जी ने मिलके पकड़ रखा के एक्स टू को। के एक्स टू खत्म हो गया, कहाँ जाएगा? नीचे। कौन लेके जाएगा? के एक्स थ्री और 2 एम जी नीचे लेके जाएगा। रोकने वाला के एक्स टू तो खत्म हो गया ना, इज इक्वल टू 2 एम इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी। ये बी ब्लॉक के लिए। के एक्स थ्री की वैल्यू कितनी है? के एक्स थ्री की वैल्यू है 3 एम जी। के एक्स थ्री की वैल्यू कितनी है बेटा? 3 एम जी। तो 3 एम जी और 2 एम जी कितना हो गया? 5 एम जी। 2 एम एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी, एम से एम कट गया, ब्लॉक बी का एक्सेलरेशन कितना आ गया? 5 जी बाई 2। और डाउनवर्ड्स नीचे, बोलो कहाँ आ गया? नीचे। अब आ जाओ सी ब्लॉक पे। किस पे आ जाओ बेटा? सी ब्लॉक पे। इसको हटा देते हैं, स्प्रिंग वन स्प्रिंग टू स्प्रिंग थ्री भी हटा देते हैं, ठीक है ना। सी ब्लॉक पे आ जाओ। हाँ जी, इसमें तो के एक्स टू है ही नहीं, तो 3 एम जी के एक्स थ्री के पहले भी बराबर था, अब भी 3 एम जी किसके बराबर है? के एक्स थ्री के बराबर है। तो एक्सेलरेशन सी ब्लॉक की क्या होगी? जीरो। अरे के एक्स टू तो है ही नहीं ना इसमें, जिसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। अरे बोलो, इन दोनों में तो के एक्स टू यहाँ था और यहाँ था, सही है। तो इसका एक्सेलरेशन आ गया जीरो, इसका एक्सेलरेशन आ गया 5 जी बाई 2 डाउनवर्ड्स, और इसका एक्सेलरेशन आ गया 5 जी अपवर्ड्स, ठीक है। होप करता हूँ आपको समझ में आएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एडवांस नीट एंड मेंस, तीनों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ओके बच्चों, आपके लिए एग्जांपल लेके आया हूँ मैं। क्या है? एक ही स्ट्रिंग 3 है, ये स्ट्रिंग 2 है, ये पुली है, ये 3M का ब्लॉक है मास का, और ये सी ब्लॉक है। ये एम मास का ब्लॉक है, स्ट्रिंग 2 से कनेक्टेड है, ये बी ब्लॉक है इस ब्लॉक का। ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग 1, ठीक है ना, और इससे कनेक्ट है 4M मास का ब्लॉक, सही है, पक्का। तो इनिशियली मासेज आ रही है इक्विलिब्रियम में, हमें क्या बताना है? स्प्रिंग फोर्स कितना है, यानी के एक्स, टेंशन इन स्ट्रिंग 2, स्ट्रिंग और स्ट्रिंग में टेंशन कितनी है शुरू में, और फिर एक्सेलरेशन ताना है तीनों का, इसका भी इसका भी इसका भी, जैसे ही मैंने ये स्ट्रिंग कट कर दिया स्ट्रिंग 3, ठीक है। सबसे पहले इक्विलिब्रियम देखते हैं, स्प्रिंग 1 की बात करता हूँ, देखो ध्यान से, यहीं पर ही कर लेते हैं, ठीक है, मार्कर चेंज कर लेते हैं और यहीं पर ही कर लेते हैं, ठीक है। मान लो ये स्प्रिंग खिंच गया एक्स वन, एक्स खिंच गया, और इसका स्प्रिंग का कॉन्स्टेंट कितना है? के। तो 4 एम जी की वैल्यू किसके बराबर है? के एक्स, इधर भी के एक्स, इधर इसके ऊपर नीचे वेट भी है एम जी, इधर टेंशन है टी वन टी वन टी वन टी वन, सेम टेंशन धागा सेम, यहाँ टेंशन बदल गई टी टू, और यहाँ क्या हो गई? टी टू, सही है। इक्विलिब्रियम की बात करी जाए अगर, तो यहाँ पे 4 एम जी किसके ऊपर है? के एक्स के। ए ब्लॉक की बात की जाए तो 4 एम जी किसके ऊपर है? के एक्स के। फिर बी ब्लॉक की बात की जाए, एम जी प्लस के एक्स किसके ऊपर है? टी वन के। एम जी और के एक्स, तो टी वन कितना आ गया? 5 एम जी आ गया। सी ब्लॉक की बात की जाए तो टी वन किसके ऊपर है? टी टू के। बोलो, तो टी टू भी कितना आ गया? 5 एम जी आ गया। ये पहले पार्ट का आंसर आ गया। स्प्रिंग फोर्स के एक्स कितना आ गया? 4 एम जी, ठीक है। टेंशन आ गई स्ट्रिंग 2 और 3 में, सेम है, सॉरी स्ट्रिंग 2 और 3 में टेंशन टी वन टी टू सेम है, ठीक है। अब बताना है एक्सेलरेशन ऑफ मासेज जस्ट आफ्टर स्ट्रिंग 3 इज कट,
स्ट्रिंग को काट दो। स्ट्रिंग को कट करते ही, स्ट्रिंग को कट करते ही बेटा इसमें फोर्स क्या हो गया, जीरो। इसमें T2 की वैल्यू क्या हो गई, जीरो। व्हेन स्ट्रिंग 3 इज कट, T2 की वैल्यू क्या हो गई, जीरो। सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है किसी बच्चे को कहीं से कहीं तक, ठीक है बेटा। अब इसको देखो, 4mg किसके बराबर, kx के। क्या 4mg kx के बराबर है तो क्या वो T2 पे डिपेंड कर रहा है? देखो क्या T2 पे डिपेंड कर रहा है, बिल्कुल भी डिपेंड नहीं कर रहा है। 4mg अब भी kx के बराबर रहेगा, तो ए ब्लॉक की बात करूँ वो 4mg अब भी किसके बराबर रहेगा, kx के बराबर रहेगा। यानी एक्सेलरेशन ब्लॉक ए का क्या होगा, जीरो। ब्लॉक ए का एक्सेलरेशन क्या होगा बेटा, जीरो। सही है। अब जैसे ही T2 खत्म हुआ, इसको आगे लेके जाने वाला कौन हो गया, इसको आगे लेके जाने वाला हो गया T1, ठीक है। ब्लॉक सी की बात करो, इसको आगे लेके जाने वाला हो गया T1। इसका मास 3m, एक्सेलरेशन AC, ठीक है। सही बात है। इसको नीचे लेके जाने वाला कौन हो गया, mg और kx, सी ब्लॉक बी ब्लॉक, mg और kx। रोकने वाला कौन हो गया, T1 इज इक्वल टू मास एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी, मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी आ गया बेटा। सही है। अब आप बहुत अच्छे जानते हैं कि kx कितना है, kx है 4mg, तो mg प्लस 4mg कितना हो गया, 5mg माइनस T1 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी। अब ध्यान से देखो, ये दोनों स्ट्रिंग टाइट है, स्ट्रिंग क्या है, टाइट। तो जो एक्सेलरेशन इसका है वही एक्सेलरेशन इसका है, इन दोनों का एक्सेलरेशन क्या है, सेम। अरे ये स्ट्रिंग टाइट है ना, मैंने सिखा रखा है आपको, अगर एक ही धागा होता है तो उसमें एक्सेलरेशन क्या होता है, सेम। तो ए बी और ए सी सेम है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लो, कितना आ गया, नीचे लिख दो T1 है 3mAc के बराबर, है ना। तो mg 5mg माइनस T1 है 3mAc, और m AB भी AC है, AB भी क्या है, AC। तो जाके 4mAc हो गया, 4mAc। तो 5mg इक्वल टू 4mAc, m से m कट गया, 5g/4 एक्सेलरेशन ऑफ C, और वही है एक्सेलरेशन ऑफ B। बोलो समझ में आया, वही है एक्सेलरेशन ऑफ बी, 5g/4। और एक एक्सेलरेशन क्या है, जीरो। एक एक्सेलरेशन क्या है, जीरो। और ये कहाँ है, डाउनवर्ड्स, इसका डाउनवर्ड और इसका सी का एक्सेलरेशन दिखाई दे रहा है आपको लेफ्टवर्ड, और बी का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड। क्वेश्चन कंप्लीट है, इजी क्वेश्चन है, समझ में आया होगा।